आगरा के मिश्रित आबादी इलाके में कल रात एक मर्डर हुआ है। आबिद नाम के युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और इसके पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जुए खेलने के दरमियान ये विवाद हुआ है और उसमें आबिद नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। और इस मामले में अभी तक 6 नामजद और 1 अज्ञात की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी जो नेम्ड और जो अज्ञात लोग हैं पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। क्योंकि ये मामला कम्युनल सेंसिटिव बना हुआ है इसलिए बड़ी संख्या में जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ अधिकारियों का दौरा चल रहा है। इसके साथ ही जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसको भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से जो अराजक तत्व हैं, खुरापाती तत्व हैं, वो शहर की अमन चैन को ख़राब ना करें। देखिए तस्वीरों में किस तरह से DCP सिटी और जो तमाम जो PPS ऑफिसर हैं वो भी इस समय यहाँ मौके पर मौजूद है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आबिद एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, 3 भाई और उसकी 3 बहनें हैं और ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की और इसके लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और बाकी जो फरार अभियुक्त हैं उसके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। 6 टीमों का गठन किया है और लगातार इस समय बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए एहतियातन बड़ी संख्या में इस मिश्रित आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है और ये चूंकि ये घटना टीला नंदराम इलाके की है इसलिए मुकदमा थाना रकाबगंज इलाके में लिखा गया है और पुलिस अलर्ट है और जो भी फरार अभियुक्त हैं उनके ठिकानों पर लगातार दबिश जारी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।